ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को अच्छा लग रहा है? अच्छा, क्या अच्छा लगा? अच्छा, चार्ज हुए, एनर्जी मिली ना। अभी ऐसे ही एनर्जी को परमात्मा से हमें रोज लेना है। ये तो थोड़ा डेमो था, है ना। अभी अगर हम रोज करेंगे ना ऐसा, तो हम कैसे हो जाएंगे। जो परमात्मा कहता है कि आपको रूहे गुलाब की तरह बनना है। जैसे गुलाब का फूल खिलता है तो सबको खुशी प्रदान करता है और खुशबू भी देता है, ऐसे ही हमें भी अपने दिव्य गुणों की खुशबू से अपने घर को, अपने जीवन को, अपने समाज को महकाना है। क्योंकि जिसके अंदर मूल्य ना हो, वर्सूस ना हो, उसका जीवन तो बेकार है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कि वो सुंदर कितनी है। मान लीजिए मैं सोफ़ा खरीदने गई तो सबसे पहले क्या देखूंगी, कौन सा वाला अच्छा है, ऐसे ही है ना। और दूसरे क्षण मेरी नज़र जाती है कि टिकाऊ कितना है, पर वो सेकंड होती है। पहले दिमाग में क्या आता है, तो हमारी जो अंतरात्मा है उसे क्या पसंद है, सुंदरता। और दूसरी बात क्या पसंद है कि उसमें स्थायीपन कितना है। तो ये दोनों ही बातें परमपिता परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर आती हैं। उसको याद करने से जो मूल्य हैं, जिनकी सुंदरता है, जिसके कारण हम मनुष्य सुंदर होता है, तो वो दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाते हैं और हम धीरे धीरे उनको स्थायी अपने जीवन में करते जाते हैं, तो वो परिवर्तन हमें खुद ही महसूस होने लगता है और उससे दूसरों को भी महसूसता आने लगती है। तो